नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बिहार विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसकी चर्चा गर्म है। हर तरफ आरोप और प्रत्यारोप का दौर है और इन सब के केंद्र में है हमारे देश का राज्य बिहार। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज इस चुनावी माहौल में हमारे इस केवी स्टूडियो खास कार्यक्रम कहता व्यवसाय बढ़ता व्यवसाय में हमारे आज के मेहमान हैं सैयद नौशाद जी। आज हम उनसे मिलेंगे और मैं इनके बारे में बता दूं, ये भारतीय इंसान पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। तो आइए मिलते हैं सैयद नौशाद जी से और जानते हैं इस चुनावी समर में उनके विचार। नमस्कार सैयद जी, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं डॉक्टर रोशन कुमार साहब को अभिनंदन करता हूँ और उनकी ये विशेषता है कि आज हमारे बेगूसराय में ये इतना बड़ा मंच बनाया, स्टूडियो बनाया, वो पहले उसकी मैं आप अभिनंदन करता हूँ और मुबारक हमारे स्टूडियो से मुबारक देता हूँ कि इसी तरह से वो फले फूले, बढ़े और लोगों तक एक जागरूक पैदा करे कि वो ये उसी तरह से आबाद हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे शुरू के सुंदर विचार के लिए। सर अब मैं अपना विशेषता सर ऐसे तो आज चूंकि एक राजनेता के रूप में, एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आपने यूँ कहें कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई है, फिर भी मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों से आप अपने बारे में विचार साझा करें। जी हाँ, मैं सैयद शाह मोहम्मद नौशाद हूँ और भारतीय इंसान पार्टी का मैं राष्ट्र सचिव हूँ। जी जी। इसके पहले मैं बहुत से कांग्रेस में भी रहा। जी जी। और राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक पार्टी में भी रहा। जी जी। उसके संरक्षक थे हमारे शरद कुमार शरद यादव जी, जी, जी तो उसमें भी रहा, सब में मैं रह करके उसके बाद फिर हमारी जर्नी जो चली जी जी तो वो भारतीय इंसान पार्टी की तरफ आकर के प्लेटफॉर्म पर वो हमारी। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय जो इंसान पार्टी है इसके साथ आपके जुड़ाव कैसे हुए? ये हमारी भारतीय इंसान पार्टी की हमारी जुड़ाव दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं समीउल्लाह साहब, जी जी, उनसे हमारी बातें हुई और वो हमें मुझे दावत दिए और दावत दे के हमको निमंत्रण दे कर हमको बुलाएं, जिससे कि मैं उनके उसूल को, उनके पार्टी की जो विशेषता है, जी जी, हमारी पार्टी जो हम जिसमें हैं अभी, उसकी विशेषता जो है, उस विशेषता को मैंने देखते हुए इसको अपनाया। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का क्या सिद्धांत है, किस मोटो पे वो काम कर रही है? भारतीय इंसान पार्टी, ये हमारी पार्टी समझे कि इंसानियत को बरकरार रखने के लिए, इंसान किस तरह से अपने तरह एक इंसान को इंसान किस तरह से देखते हैं, वो हमारे इस पार्टी में है, वो विशेषता है। सब एक जैसे हैं इंसान। जी बिल्कुल, कोई किसी में बदलाव नहीं, ने सबको एक जैसा बनाया, एक जैसा मानव, बिल्कुल, ना ही उसकी कोई जाति है, ना ही उसका कोई धर्म, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, हम सब इंसान हैं, एक इंसान। तो यही ये तो फर्क है कि इंसान और फिर हैवान में क्या फर्क है। हमारे इंसान जब है, इंसानियत है, तो प्रकृति जब आपका इंसान बनाया तो प्रकृति में इंसान को, इंसान का जब वजूद हुआ तो इंसान को किस तरह से रहने सहने के लिए सिखाया, तो वो चीज़, वो विशेषता जब एक इंसान के अंदर नहीं है। अच्छा सर, आप बात करते हैं इंसान की, प्रकृति ने एक इंसान बनाया, आपको नहीं लगता कि समाज में हम रह रहे हैं वहाँ एक बहुत बड़ा मतलब एक दुराभाव बन गया है, एक द्वंद्व हो गया है जी, अमीर गरीब के बीच, ऊंच नीच के बीच नहीं, कहीं ना कहीं एक समाज भाषा में, क्षेत्र में, जाति में, धर्म में बढ़ता जा रहा है। इंसानियत तो अब रही नहीं, बनावटी इंसानियत हो गई है, इंसान के कई चेहरे हो गए हैं, लोग अवसरवादी हो गए हैं। जिस इंसानियत की बात आप कर रहे थे, हमें लगता है कि आज बहुत ही कम उसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसकी बात यह है ना कि देखिए, इंसानियत
यानी कि लोगों के जहन में जो है वो अजब टाइप की एक माहौल बना करके के रखा गया है कि तुमको इस तरह से रखा जाएगा, इस तरह से रखा जाएगा, तो वो कहिए कि बिल्कुल बेकार वाली चीज़। अच्छा, आगामी विधानसभा जी, आगामी विधानसभा जो है अब उसकी चुनावी बिगुल बज चुके हैं, तीन चरण में चुनाव होने हैं और बस नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर उसके बाद चुनाव प्रचार होंगे, तो इस विधानसभा में जो सामने है इसमें आप अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? मैं, हमारी पार्टी तो अभी करीब 40 से 45 सीट पर लड़ रही है। जी जी। और इसमें हम लोगों का, इस पार्टी का, हम लोगों का ये एक UDA पार्टी जी जी वो बनी है जी जी, जो यशवंत सिन्हा जी जी साहब हैं उसमें, और हमारे नागमणि जी हैं, तो इन लोग सब मिल कर के हम लोग एक गठबंधन हो गया है इन लोग का। अब ये गठबंधन देखिए। अच्छा, आप खुद से जो जिसकी जिक्र आपने किया कि लगभग 40-45 जगहों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी आगे जाके महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी सरकार बनाने में? देखिए, ये तो कहा जा सकता है कि जब हमारी पार्टी उस मुकाम पर पहुँचेगी। आपको ऐसा लगता है कि आपका स्तर भी इतना उस पर चुनाव, बिल्कुल आगामी चुनाव में? बिल्कुल लगता है, इसलिए कि हमारी पार्टी में हम लोग ने उस पर वर्क किया है, मेहनत किया है, कोशिश किया है कि आवाम भी हमारे सपोर्ट में खड़े हुए हैं, पब्लिक भी हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, पब्लिक भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या प्लान है बिहार के विकास में, आपकी पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा, कौन सा उनका भविष्य की उनकी क्या योजना है? ये सबसे पहला है शिक्षा, शिक्षा के ऊपर हम लोग जोर देंगे, स्वास्थ्य के ऊपर जोर देंगे, उसके बाद फिर हमारे जो मूल जो काम है उसके ऊपर हमको भूख, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब पर हम लोग का जोर है। तो जैसे आपने कहा कि बेरोजगारी को दूर करना है शिक्षा के संदर्भ में, तो फिर क्या प्लान है आपका, प्लान क्या है, कुछ तो योजनाएं होंगी ना आपके पास? हाँ, तो यही तो बता रहे हैं कि वो हमारे आज बिहार में जो हमारी जो बेरोजगारी है, जो पलायन करके जा रहे हैं। तो कैसे, मतलब पलायन कैसे रुके? पलायन को रुकने का संभावना है, वही चीज़ तो उसी को तो हम लोग को तो दिखाना है। तो कैसे रोका जाए, मेरा ये कहना है कि हमने कहा ठीक है पलायन रुकना चाहिए, तो हाँ, क्या प्लान है? पलायन करने का यहाँ उद्योग सेंटर बनाए जी, क्या जाए? उद्योग सेंटर आपका नहीं रहेगा तो लोग बाहर पलायन नहीं करेंगे, बिल्कुल। और हमारी ये बात है कि जैसे बिहार में जो जितने शिक्षा के ऊपर आप अगर जोर दीजिएगा, शिक्षित अगर होंगे तो आपका विकसित होगा, शिक्षा सबसे अव्वल है, शिक्षा और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य आपका नहीं रहेगा तो शिक्षा कहाँ से आपको मिलेगा? आप शिक्षा के ऊपर जोर दे सकते हैं? आपका स्वास्थ्य जब रहेगा खराब होगा तो शिक्षा नहीं हो सकता है। जी जी। और ये मूल मुद्दा जो है यहाँ बिहार में हमारे सबसे बड़ा मुद्दा है जी जी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चीज़ जो है ना वो बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और शिक्षा आज हमारे, हम ये भी बोल रहे हैं कि हमारे बेगूसराय में जी जी, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है शिक्षा की, शिक्षा के लिए हमने यहाँ के बेगूसराय के अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमने अपने छोटे छोटे जितने भी स्कूल में हम जाते हैं, हम देखा है कि वो शिक्षा के लिए के नाम पर बच्चे को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, वो कितना हमको बुरा लगता है, बहुत बदनुमा लगता है कि देखिए आप किसी मासूम बच्चे को वो बोरा के ऊपर बैठालते हैं, अब बोरा पर बैठाल करके शिक्षा उसको देते हैं, तो उसकी मानसिकता क्या होगी अगर वो शिक्षा में लेगा उस इस तरह से, हैं? जो जैसा कि आपने कहा शिक्षा की गुणवत्ता पे ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल, पहला तो वही मुद्दा है हम लोग का।
अच्छा, आप अगर शिक्षित नहीं होइएगा तो आप विकसित आप कैसे होइएगा? हमारा एक ये भी सुनने में आया है कि आप भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, मैं भी विधानसभा किस कौन से सीट से आप प्रत्याशी? अभी तो देखिए दानापुर से तो हमारे प्रत्याशी का नाम आया है और मैं आया था अभी यहाँ DM साहब के पास लेने के लिए, लेकिन वहाँ से अभी कुछ हमारा कुछ ये नहीं हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर अपने साहब कमाल से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। आप एक साथ दो जगह से चुनावी राजनीति से जुड़ा हो, क्योंकि राजनीति को चुनना आज राजनीति में काफ़ी ज़्यादा भविष्य देखा जाता है कि जो क्षेत्र मतलब परिवारवाद है, एक वैसे एक ही परिवार के लोग राजनीति में जमे हुए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं हमारा ख्याल ये है कि राजनीति में कोई परिवारवादी का होना सही नहीं है, इसलिए कि वो एक सिलसिला चला रहा है। जैसे मुगल के टाइम में जी, जो था जी, हाँ, सल्तनत थी, सल्तनत थी, वो जारी है। जी जी, अच्छा, आप राजनेता बनने का जो आपका ख्वाब है, कहाँ से प्रेरणा मिली राजनीति में आने का? मैं तो स्टूडेंट लाइफ से कहा ना कि मैं कांग्रेस में था और वो पटना में मैं तारिक अनवर साहब के साथ उस टाइम यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहा। छात्र राजनीति में आप जुड़े हैं? उस स्टूडेंट लाइफ से 1984 से। अच्छा, बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं? जो आगामी विधानसभा है, क्या लगता है कि सरकार परिवर्तन होगा या पुनः वही सरकार आएगी? बिल्कुल परिवर्तन होगा, और बिल्कुल इसलिए कि परिवर्तन होना ज़रूरी है। और आपकी जो पार्टी है भारतीय इंसान पार्टी, किस तरफ जाएगी? अगर मान लीजिए, चूँकि ये भी पता है कि बहुमत किसी पार्टी को नहीं आनी है, ये आप भी जानते हैं जी, और जब भी सरकार बनेगी गठबंधन की बनेगी, चाहे चाहे वो NDA की हो या हमारे जो तेजस्वी यादव का जो गठबंधन उनका हो, लेकिन आपका झुकाव किस ओर होगा? झुकाव उस वक्त होगा हमारा, क्योंकि मान लीजिए आप जाए कि आपके विधायक चुन के आते हैं आपकी पार्टी से, तो किसको नहीं सपोर्ट करेंगे? हमारी बात यह है कि हम झुकाव उस वक्त होगा कि जब उनका उसूल सही होगा। नहीं तो जो हम लोगों का पार्टी का मुद्दा जो है, हम लोगों के पार्टी का जो मुद्दा है, उस मुद्दे पर वो खड़े उतरेंगे तब हम उनके साथ, किसी पार्टी के साथ भी हम अपना मुद्दा को शामिल करके के उनके साथ हो सकते हैं। अच्छा, बेगूसराय की डेवलपमेंट में क्या कहना चाहेंगे, बेगूसराय का विकास के संदर्भ में? आप बेगूसराय के विकास में तो मैं आज से नहीं, शुरू से बोलता चला आ रहा हूँ, और विकास तो बहुत बेगूसराय के, अभी आपका देखिए NH-31 जो बन रहा है हमारा, वो उसका कब से बन जाता, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई भी नहीं ध्यान दिया। बेगूसराय की वही जर्जर हालत है, बेगूसराय की पूरी। रेलवे स्टेशन को देखिए, आज भी उद्धार का वाट चो रहा है बिल्कुल। और आप रेलवे स्टेशन को देखिए, आप बोलिए बोल नहीं सकते हैं कि यहाँ जितनी बड़े बड़े ट्रेन का कोई ठहराव नहीं है। और पार्लियामेंट में उनकी, यहाँ के जो हैं हमारे प्रतिनिधि जो जीत के गए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अब क्या क्या जाएगा, जो हैं तो उसी तरह से हैं। बेगूसराय भगवान भरोसे का। अच्छा, दिनकर विश्वविद्यालय की मांग जोर शोर से उठती रही है, क्या कहेंगे इस पर? दिनकर विश्वविद्यालय को खुलवाना, ओपन करना बहुत ज़रूरी है। इस यही तो हम बताया ना आपको कि शिक्षा, तो ये वो दिनकर विश्वविद्यालय जो हमारे शिक्षा का मूल है, जब वो दिनकर विद्यालय होगा, विश्वविद्यालय होगा, तो उससे हमको शिक्षा का एक रास्ता मिलेगा। अच्छा, भारतीय इंसान पार्टी ने किसानों के लिए क्या योजना बनाई है, किसान के उद्धार के लिए, किसान के विकास के लिए? हाँ बिल्कुल, किसान के लिए, वही तो, वो तो सबसे अव्वल किसान है हमारे, किसान अन्नदाता है हमारे। नहीं, कुछ योजना होगी ना कि ये पार्टी अगर चुनके आती है तो किसान के लिए आप कुछ उनको उनके अनाज का उचित मूल्य दिलवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, भंडारण उनका अनाज का होगा। वही तो हम कह रहे हैं कि भारतीय इंसान पार्टी किसान को ही सर्वप्रथम जो है उसके हक उसको दिलाना है ज़रूरी, और किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसान है तो हम हैं, किसान नहीं है तो हम नहीं हैं।
छात्र और नौजवान के संदर्भ में जानना चाहूँगा कि भारतीय इंसान पार्टी छात्र और नौजवान के लिए क्या सोचती है? नौजवान के लिए सबसे प्रथम सोचती है, हमारे नौजवान प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं आपके अमानुल्लाह साहब, वो युवा अध्यक्ष, कैसे रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, कैसे उनका भविष्य निर्माण हो, युवा अध्यक्ष, और बिहार में प्रदेश के युवा अध्यक्ष शहबाज हुसैन और हमारे ये लोग हैं सब। तो आपकी कुछ योजना होगी ना कि ये युवा जिनको रोजगार मिलना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही तो बात कह रहे हैं कि क्या उनको, ये तो हमारा मुद्दा ही है कि अच्छा ऐसा बार बार माहौल बनाया जाता है, जब चुनाव का दौर आता है तो धर्म संप्रदाय का एक माहौल बनाया जाता है, तो अल्पसंख्यक मतलब कहीं ना कहीं जुड़ा जाता है वोट बैंक की जो राजनीति है, तो आप कहाँ पाते हैं इसको? क्योंकि जो अल्पसंख्यक हैं वो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको हक और उनका अधिकार बनता है, उनको सब कुछ मिलना चाहिए। आपको नहीं लगता कि चुनावी राजनीति में लाभ कमाने के लिए उनका कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति होती है उनके साथ? बिल्कुल होती है, राजनीति होती है, अल्पसंख्यक को पीछे पायदान में फेंक दिया जाता है। तो अल्पसंख्यक सिर्फ नाम एक दे दिया जाता है, नाम दे करके के उसको यूज़ किया जाता है, समझे ना। तो हम लोग हमारी पार्टी अल्पसंख्यक को वो उनका जो सही मुकाम है वो सही मुकाम दे करके के उनको आगे बढ़ाने का कोशिश करेगा। अपनी पार्टी की जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? बिल्कुल पूरा जोर है हमारा, और भारतीय इंसान पार्टी का हम ये बहुत कुछ हर क्षेत्र में हमारा जोर है। जो मतदाता यहाँ से आपको सुन पा रहे हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे भारतीय इंसान पार्टी की ओर से? भारतीय इंसान पार्टी के तो मतदाता को मैं यही कहना अपील करता हूँ कि वो अगर चुन करके आए तो पब्लिक के लिए कुछ काम करें, हमारे पब्लिक के लिए। पब्लिक से क्या अपील करेंगे? पब्लिक उनके उनके अपनी है ख्याल, वो जिस तरफ भी जा सकते हैं उस पर हमारा जोर नहीं है। जो चुनाव में मतदान करने जितना होना चाहिए उतना हो नहीं पाता है, लोग वोट करने के लिए आते नहीं, 50-60%। नौशाद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो जनता यहाँ से आपको सुन रही है तो उस जनता को आप अपनी पार्टी की ओर से कैसे जागरूक करना चाहेंगे, अपने आप उनको क्या कहना चाहेंगे जिससे जनता आपके ऊपर विश्वास करे, या जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारी भारतीय इंसान पार्टी जो है वो हम आवाम के बीच हम गए जाएंगे जा रहे हैं, गए हो चुके हैं, उसके बाद तो उससे अपील है मैंने यही किया है, आपकी जो बेबसी है, भूख है, बेकारी है, बेरोज़गार हैं, उसको देखते हुए मैं उसको उसकी पूर्ति करूंगा। नौशाद जी, ऐसा देखा गया है हर चुनाव में, विगत कई चुनाव में देखा गया कि जो वोट बैंक का प्रतिशत है, मतदान का जो वोटिंग का जो प्रतिशत है वो घटता जा रहा है, लोग नोटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ लोग वोट के प्रति उतने आकर्षित नहीं हैं। तो जो पब्लिक यहाँ से सुन पा रहे हैं, चूँकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, उसी के मतदान से भविष्य निर्माण होना है देश का, समाज का, तो आप उन्हें मतदान के लिए कैसे जागरूक करेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारा ये ख्याल है कि जो वोटर जो जितने हैं वो उनका मूल अधिकार है। जी जी, वो वोट देना उनका कर्तव्य है, फर्ज है, समझे, हमारे यहाँ नमाज में जैसे कहते हैं एक फ़र्ज नमाज और सुन्नत नमाज ये सब कहते हैं, तो वो पब्लिक का वो फ़र्ज है, कर्तव्य है कि अपने अपना पहचान, अपना निशान किसी भी पार्टी को, लेकिन वो वोट करें। जी जी, वोट से मुकरें नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, केवी स्टूडियो जो लगातार पिछले मतलब फरवरी माह से ही लगातार ये हर तरह के लोगों को विचार को साझा करने का एक यहाँ मंच दिया गया, और इसके जो निदेशक हैं डॉक्टर रोशन सर, उन्होंने यह एक मुहिम बनाई कहता व्यवसाय बढ़ता व्यवसाय के विकास में, व्यवसाय का मतलब व्यवसाय में लोग अपने विचार को साझा करें आम जनमानस तक, क्या कहेंगे इस पर? हमारा ये कहना है कि डॉक्टर रोशन कुमार साहब ने जो ये मंच तैयार किया है, ये मंच बेगूसराय के लिए, बिहार के लिए,
पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मंच तैयार किए हैं और इसका मैं बहुत बहुत आभार हूँ, बहुत मुबारक देता हूँ कि हमारे एक बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा मंच तैयार हो गया और आज जो कि आज पूरा देश देखेगा और पूरे देश को इस पर गर्व और हमको गर्व होगा, बेगूसराय को गर्व होगा कि बेगूसराय की प्रतिष्ठा, बेगूसराय की जो मूल अधिकार है वो ये सब यहाँ पर आ करके आप लोग के सामने बंटवारा होगा, बात होगा, बातचीत होगा, इस पर चर्चा चलेगी, तो ये हम इससे बढ़कर के मंच और कौन समझ होगा। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस चुनावी माहौल में आपने अपने विचार हमारे केवीस्टूडियो से साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ केवीस्टूडियो को और हमारे तरफ से बहुत 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 नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत आभार। मैं सैयद शाह मोहम्मद नौशाद, हमारे वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब और स्टार ऑफ बेगूसराय को लाइक करें और चैनल को के ऊपर सब्सक्राइब करें।